हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा'स होम टेल्स। सुबह के अभी बज रहे होंगे 8 के करीब और मेरे मॉर्निंग के काम वगैरह शुरू हो चुके हैं, तो मैं आज बाहर पे ही कपड़े धोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे आंगन भी साफ करना है और मेरे साथ मुझे कंपनी करेगी कीवी क्योंकि इसे पानी के खेल खेलने में बहुत मजा आता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो मॉम्स होती हैं वो बच्चों को काफी रोकती हैं कि पानी वगैरह में मत जाओ, लेकिन कभी कभी तो चलता है यार। बच्चों, हम जब बच्चे थे तो काफी खेल खेले हैं पानी के, तो कभी कभी मैं इसे भी अलाउ कर देती हूँ। तो आज मैंने इसे अलाउ कर दिया था। और मुझे तो कपड़े बाहर पे धोने में बहुत मज़ा आता है। मेरे जैसे और भी कई सारे होंगे जिन्हें बाहर पे बैठ के कपड़ा धोना अच्छा लगता होगा, तो मैं भी कभी कभार जब मुझे आंगन की सफाई करनी होती है तो मैं बाहर पे ही धो लेती हूँ। और कीवी देखो कितनी मस्ती कर रही है, होली का टाइम भी आ रहा है। और ये देखिए इसके चेहरे पे अलग ही खुशी है पानी से खेलने की, क्योंकि और दिन मैं ऐसा अलाउ नहीं करती हूँ, पर अभी इसने नहाना ही था तो मैंने सोचा चलो खेलने देती हूँ। और ये मुझे पानी के लिए पाइप दे ही नहीं रही थी कपड़े धोने के लिए बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने कपड़े धोए हैं क्योंकि इसे सारा टाइम पाइप इसे चाहिए था और ये लड़ रही थी मुझसे, नहीं दे रही थी मुझे बिल्कुल भी, और इसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए थे। के बाद मुझे फिर कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ। तो देखो अभी फिर से उसने मुझसे पाइप छीनी और गमलों में इतना पानी डाल दिया उसने, ओवरफ्लो कर दिए थे और ये मुझे दे ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा बैठ ही जाती हूँ जब तक ये भर, तो मैंने इससे बोला तू टब में पानी भर, तब तक मैं बैठ के देखती हूँ। और देखिए इसमें सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए। और खुद को भी पूरा गीला कर चुकी थी। ये मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैंने आंगन क्लीन कर दिया है, सारे के सारे कपड़े धो के सुखाने के लिए डाल दिए। और अब मैं कीवी को अंदर लेके जाऊंगी, लेकिन वो अंदर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं क्योंकि उसे और खेलना है पानी में। मैं उसे जैसे तैसे मना रही हूँ कि भाई अंदर चल अंदर चल, तो अब देखते हैं चलती है या नहीं। ले जाना तो है क्योंकि इसने नहाना भी है। और अब इसे पानी मैंने बंद करा तो ये हम गमलों पे चली गई खेलने के लिए। कह रही है नहीं मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। फिर मैं इसे जैसे तैसे ले गई हूँ और ये मैं अब सामान अंदर रख लूँगी और कीवी अपने पापा के साथ ही नहाएगी, पापा नहलाएंगे इसे, तो चलिए ये जब तक नहाती है तो मैं फटाफट से मेरी दाल वगैरह मैंने ऑलरेडी बॉईल करी हुई है तो मैं इस पे तड़का लगा लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी कीवी को नहलाने के लिए छोड़ के, और मैंने फटाफट से चॉपिंग वगैरह कर ली है। अब मैं राजमा की दाल में तड़का लगा लूंगी। तो मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए। अब मैं उसमें डालूंगी जीरा थोड़ा सा, खड़े मसाले भी थोड़े से लिए थे क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। अब मैं इसमें लहसुन डाल के उसे गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज और ग्रीन चिलीज ऐड कर लूंगी और इन्हें भी मैं हल्का फुल्का गोल्डन ब्राउन कर लूंगी, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें हींग डाल लूंगी क्योंकि हींग अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो और जिंजर की प्यूरी। तो इसे अच्छे से ऑयल छोड़ने तक हमें कुक कर लेना है।
देखिए ये ऑयल छोड़ने लगी है। अब मैं इसे इसमें दाल ऐड करूंगी। अब हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है, काफ़ी अच्छे से, जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। फिर आपकी राजमा की दाल रेडी हो जाएगी और आप इसे धनिया से गार्निश कर सकते हैं। मैंने चावल भी सोख कर लिए थे साथ के साथ, तो मैंने कुकर खाली करके वॉश करके इसी में मैंने चावल चढ़ा लिए। तो मैं चैनल पूजा जूम टेस्ट और मैं पूजा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो करीब हो रहा टाइम और काम वगैरह मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे निपटा ही लिए हैं, सुबह के जो होते हैं। और आज कपड़े मैंने बाहर पे ही धो लिए क्योंकि ऐसा था कि एक तो मौसम भी अच्छा सा हो रहा था, गर्मी ज्यादा नहीं थी, दूसरा कि आंगन भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कपड़े भी धुल जाएंगे, आंगन भी साफ हो जाएगा, वाटर थोड़ा रिसाइकल हो जाएगा। और साथ के साथ कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो कि कलर छोड़ते हैं, उसमें कीवी के कुछ थे, कुछ मेरी कुर्ती वगैरह थी जो कि काफी कलर छोड़ती है, तो उसमें मशीन में धोने में डाउट रहता है कि कहीं इसका कलर उसमें ना आ जाए, इसका कलर उसमें ना आ जाए, इसलिए मैंने सोचा हाथ से ही धो लेती हूँ आज। तो दाल तो मैंने सुबह ही बॉईल कर ली थी क्योंकि राजमा की दाल थी, तो मैंने सोचा टाइम लगता है उसे बनने में, तो सुबह ही बॉईल करके रख लेते हैं। और अभी फिर मैं अंदर आई, मैंने उसके बाद फटाफट से दाल वाल छौंक ली और इसको नींद आ रही है एक्चुअली, दाल वाल छौंक ली, चावल वाल चढ़ा लिए हैं, बन चुका है खाना, बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए हैं। अभी एक्चुअली हस्बैंड को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा क्योंकि कुछ उनका ऑफिस का काम था, कुछ सामान वगैरह देना था किसी को, तो वो अभी गए हुए हैं, वो आते हैं तो लंच करते हैं हम लोग, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, रिव्यू लूंगी हस्बैंड का कि कैसा बना है खाना। और कीवी खाना खाओगे आप? खाओगे? चावल खाओगे? चावल खाओगे? और ये अभी अभी बोलना स्टार्ट करा है इसने, मतलब क्लियरली नहीं बोलती लेकिन जो भी बोलती है इतना क्यूट लगता है इसके मुंह से, आपको सुनाऊंगी कि जो भी बोलती है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मतलब बोलना अच्छे से अब स्टार्ट कर लिया है इसने, तो ये कॉपी करती है हम लोग जो भी बोलते हैं। ये कीवी पावड़ी हो रही है, बोलो पावड़ी हो रही है, पावड़ी हो रही है, देखो। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बेबी ने अभी स्टार्ट करा है बोलना, तो मैं बहुत खुश हूँ आजकल इससे, मैं खूब सारी बातें करती हूँ, है ना, हम बातें करते हैं ना, हम बातें करते हैं ना। और पता नहीं इसको मेरे बालों से क्या लगाव है, इसको सोते टाइम मेरे बाल चाहिए, ये हाथ में मेरे बाल ऐसे लेके बस करके बस तभी सोती है, ऐसे सोते हो ना आप, बताओ सबको बताओ, हाँ बोलो, हाँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आगे के ब्लॉग। और अब इसके बारे में रिव्यू लेने का टाइम आ चुका है, लंच लग चुका है हमारा, और ये देखिए आधा ये खा चुके हैं लगाने तक ही, अब ये अपना रिएक्शन देंगे कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया बना है और एकदम ऑनेस्ट वाला देना, ओपिनियन वाला ही दे रहा हूँ एक्चुअली, रेस्ट्रो स्टाइल में ही बना है, बिल्कुल वही हल्का सा जो एक सारनेस होती होनी चाहिए एक राजमा की दाल में, खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, माय प्लेजर। और ये अटैक हो चुका है यहाँ खाने पे कीवी का। चले फिर हम लंच कर लेते हैं और आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच, बाय बाय।